नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आपको याद होगा 24 जनवरी 2020 को ठीक मेमू कार सेट झाझा के सामने दो मजदूरों की मौत दीवार गिरने से हो गई थी और दो मजदूरों ने अस्पताल जाने के क्रम में दम तोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का ठेकेदार के द्वारा अभी तक परिजनों को मदद नहीं मिली और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 23,000 रुपए की मदद उन लोगों को मिली थी, लेकिन अभी तक परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। हमारे साथ शिव सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष शिवराज यादव, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इन सवाल को मीडिया के सामने उठाया है और शासन प्रशासन से इसकी जांच करते हुए उचित मुआवजा जो परिजन उनको देने का आग्रह किया। नहीं तो ये हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही हम सड़क जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दर्शकों, 24 जनवरी को कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी दीवार गिरने से ठीक मेमू कार सेट के सामने। अभी तक उनके परिजनों को कोई भी राशि नहीं मिली है। सिर्फ प्रखंड से 23,000 रुपये का आवंटन मिला है, राशि मिली है, जो किसी गरीब परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार शिव सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष युवा स्मार्ट शिवराज यादव, विधायक पुत्र भी हैं, लगातार समाज के सेवा में अग्रणी रहते हैं। इन्होंने कई बार संघर्ष भी किया है, कई बार लड़ाई लड़ी है शासन प्रशासन के साथ, लेकिन अभी तक उनके परिजनों को जो 4 लाख रुपया मिलता है वो अभी तक नहीं मिला है। शिवराज जी, आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया? देखिए, जिस दिन घटना घटी थी, उस दिन डीएम साहब ने मुझे आश्वस्त किया था कि आप जो है चक्का जाम ना करिए, पूरी तरह इंसाफ होगा। तो उस दिन उन्होंने सिविल एसडीओ को 11:30 बजे रात को रेफर अस्पताल भेजा। उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 लाख रुपया जो कि सरकार की तरफ से मिलता है वो मिलेगा मृतक के परिजनों को, पत्नी को या बेटा या बेटी को, वो राशि भी नहीं भुगतान, सिर्फ 23,000 जो ब्लॉक के द्वारा मिलता है। एक्सीडेंटल लोग, एक्सीडेंटल में जो भी उनको, वो दो लोगों को मिला, दो परिवार। जबकि 4 लोग मर गए थे शिवराज, 4 लोगों की मौत थी, 2 घटनास्थल पर की मौत थी, 2 रास्ते में दम तोड़ा था, 2 घटनास्थल पर स्पॉट डेथ। जी 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 जी। और बाकी दो को रेफर किया गया। जी जी। जिनमें से एक मौत जमुई सीएस अस्पताल के सीएस के हाथों में हुई, उन्होंने मुझे सूचना दी कि इसका भी ये भी कोलैप्स कर गया और एक पटना जाने के रास्ता में कोलैप्स कर गया, जो कि लखीसराय था। इसमें भी उस समय में मैंने बयान दिया था कि लखीसराय के माननीय मंत्री श्रम संसाधन विजय कुमार सिन्हा देखने तक नहीं है और ना ही परिजनों का हाल चाल और ना ही कभी लखीसराय के मनोनीत सदस्य होने के नाते उनको जिम्मेदारी बनता है कि परिजनों को इंसाफ हो, उन्हें उचित मुआवजा मिले, लेकिन प्रयास नहीं। अब पता नहीं उनका कोई निजी कारण, आगे क्या रणनीति आपकी गरीबों के लिए? मेरा रणनीति साफ है कि धर्म पर हम रहते हैं, अधर्म पर चलते हैं। जी जी जी। अगर अधर्म होगा तो अपने परिजनों का भी त्याग करने में हिचकिचाते नहीं, तो प्रशासन के खिलाफ हम कुछ दिनों का समय दे रहे हैं। अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो चक्का जाम आंदोलन जमुई पूरे जिला का मैं थैंक यू। और अविलंब इसकी 4 सीट की जानकारी मुझे दी जाए, एडवोकेट हूँ और केस कॉपी दी जाए। और यहाँ के जो थाना प्रभारी सीधे सर पासवान है, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। कल मैं गया था केस की जानकारी के लिए, तो वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे और चाय मेरे लिए भेज दी, चाय पीने के लिए तो हम वहाँ गए नहीं, सीधे सर पासवान ट्रेडमिल पर ही लगातार दौड़ते रहे। फिर मैं 10 मिनट इंतजार करके वहाँ से चला गया। ऐसा थाना प्रभारी जो कि जांच के घेरे में है, रुपया व्यापारी के इनका जांच चल रहा है। झांझा में भी इन्होंने पैसा लिया था, एक हार्ट पेशेंट से 1 लाख भोजन कराया,
कंबल बांटा, वो मेरा अपना सामाजिक दायित्व है। लेकिन गरीबों का इंसाफ मिलना अभी लाजमी है। नहीं मिलेगा तो पूरे जम्मू जिला को मैं जाम कर दूंगा, चक्का जाम करूंगा, फिर मैं किसी का नहीं। लॉकडाउन के बाद ये सब कार्यक्रम आपका स्टार्ट होगा। ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये इंसाफ हो जाएगा। थैंक यू।